मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए शुभ कार्य के लिए, जो विशेष रूप से हमको शुभता प्रदान करे, हमको विशेष रूप से लाभ प्रदान करे, ऐसे विशेष रूप से जो सहयोगी विशेष जो चिन्ह है स्वास्तिक, जिसको गणपति जी का स्वरूप माना गया है, उसके बारे में चर्चा करें। स्वास्तिक हम सभी बनाते हैं, यह एक शुभ चिन्ह माना गया है। इसको गणेश जी का स्वरूप माना गया है। गणेश पुराण के अनुसार हम स्वास्तिक बनाते हैं, वो दक्षिणवर्ती जाना चाहिए घड़ी की दिशा में, या वामवर्ती घड़ी की उल्टी दिशा में, इसी पर चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से इसको बनाने के क्या कारण है, इससे क्या लाभ मिलता है, इस पर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। आइए देखते हैं कैसे हम स्वास्तिक को निर्माण करें। मित्रों, सर्वप्रथम हम स्वास्तिक बनाने के लिए गंगा जल ले लेंगे। गंगा जल को शुद्ध जल में मिला लेना है, ऐसे उसे मिला लें। उसके बाद किसी दीवार पे या किसी थाल पे स्वास्तिक बनाना है तो सर्वप्रथम हल्दी, सिंदूर और कुमकुम, ये तीनों को लेना है। तीनों को एक छोटे से पात्र में मिला सकते हैं या बड़े थाल में एक कोने में अवश्य मिला ले। गंगा जल मिलाना है, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, उससे उसे मिला लेना है। प्रयास करें, अभ्यास करें कि उसी अंगुली से हमको, विशेष रूप से सीधे हाथ के सूर्य की अंगुली मानी जाती है, इससे हमको सर्वप्रथम पहली विधि पे हम चर्चा करेंगे। स्वस्तिक बनाने की सरल विधि क्रमांक एक, इसमें हमको सर्वप्रथम मिले हुए चंदन को तीन तीन बिंदुओं का नौ बिंदु बनाना है। इसको ऐसे समझे कि तीन लाइन बनाना है, समान दूरी पे बने तो और अच्छा माना जाएगा। ऐसे नौ बिंदु का निर्माण कर लें, समान दूरी पे तो रहेगा ही। इसके बाद मध्य का जो बिंदु है उसको प्रधान मानते हैं। ऊपरी कोना से आप देख सकते हैं, ऊपरी कोना से ऐसे आपको लाना है। ऐसे लाने के बाद फिर और चंदन ले ले, फिर ऊपर से ऐसा लाते हुए ये नीचे की ओर आएगा और ये ऐसा एक स्वास्तिक बनेगा। यहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि मध्य भाग को गणेश जी का पेट माना गया है। पहला बिंदु है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इन्हीं चारों बिंदुओं को मानना है। फिर दो लाइन लगाने चाहिए, जैसे बाजू फोटो में आप देख सकते हैं, रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ के नाम से लगाना है। जो सामने का जो दो लाइन है पास का, वो शुभ और लाभ का है, दूर का जो है वो रिद्धि सिद्धि का है। अब हम स्वास्तिक बनाने की सरल विधि क्रमांक दो पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमको सब सर्वप्रथम जो बीच में एक बिंदु है, जो प्रधान बिंदु है, जिसको गणेश जी का पेट स्वरूप मानते हैं, वहाँ से लेना है। इसको सही क्रम ये है कि इसको लेना है ऊपर की ओर पहले ले जाना है और वो ऊपर ऐसे जाते हुए जाएगा, उसके बाद नीचे, ये घड़ी की दिशा सुई की दिशा में ही जाते जाएगा। इसको ऐसे ही आप निर्माण करें तो बहुत अच्छा है। फिर चार बिंदु वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको देने वाले गणेश भगवान हैं, उनका स्वरूप बन गया। इसमें भी पेट को नहीं काटना है, पेट से ही यानी मध्य भाग से ही आगे निकलेगा रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का, उसके निमित्त दो लाइन होगा। ये दूसरी विधि हुई। यहाँ पर एक और विधि मैं बता रहा हूँ जिसको हम कई बार गलत बनाते हैं, ऐसे बीच से काट देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत विधि है। बीच से काटना सही नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं करना है। देखिए, ऐसा जब हम बनाते हैं तो ये उल्टा क्रम माना गया है, जो दरिद्र यानी दुख को, कष्ट को और गरीबी को बढ़ाने वाला है। जैसे ऐसा हम बना लेते हैं, ये उल्टा माना गया है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए, ऐसा नहीं बनाना है, ये गलत है।
ऊपर जो मैंने बताया वो सही, ये वाली बहुत सही विधि है इसको करना। देखा कि कैसे स्वास्तिक बनाया जाता है, कैसे स्वास्तिक को कहाँ कहाँ बनाना चाहिए और इसके द्वारा कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम।